सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 41 भाजपा के एक सांसद थे, ओके प्रकार का भाषा का, ओके ओके संसदीय एक बता रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी बता रहे हैं, एक मंत्री ने ओके ओके कुछ नहीं बोला। अध्यक्ष महोदय जी, अध्यक्ष महोदय जी, हम लोग सब इस महान सदन का सदस्य हैं और आप इसको प्रेसाइड करते हैं, कोई भी सदस्य ऐसा टिप्पणी करते हैं जिससे सदन का गरिमा को चोट पहुंचती है, ये सबके लिए अत्यंत दुखद घटना है। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय आपसे अनुरोध करूंगा, चाहे सत्ता पक्ष का हो विपक्ष का हो, कोई भी सदस्य इस तरह का टिप्पणी और भाषा इस्तेमाल करता है जो संसदीय परंपरा में परमिसिबल नहीं है, सदन का गरिमा को चोट पहुंचती है, तो आप समय समय में कार्रवाई करते ही हैं, उसको आप सदन का कार्रवाई से बाहर निकलने के साथ साथ, बाकी अध्यक्ष जी आपके पास पावर है, आपके पास अथॉरिटी है कि कोई भी सदस्य इस तरह का व्यवहार करेंगे तो उसके ऊपर में उचित कार्रवाई या उचित टिप्पणी करने का भी माननीय अध्यक्ष जी के पास अधिकार है। हम अपना सरकार की ओर से ये कहना चाहता हूँ कि मैं डिटेल में नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ सदन में नहीं था कल, मैं राज्यसभा में गए थे, जब आया तो ये घटना हुई। प्लीज पूरी बात बोलने दो उनको, पूरी बात बोलो, पूरी पूरी आप क्योंकि मैं चाहता तो मैं डिफेंड कर सकता हूँ या उसको, मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं इसे इतना कह रहा हूँ कि हमारा जो भी मेंबर को प्रोवोक कौन किया, किसने किया, बोला मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं इतना ही कह रहा हूँ कि अगर सदन के अंदर में उचित वक्तव्य नहीं दिया गया है तो उसको उचित कार्रवाई माननीय स्पीकर महोदय के पास है और उचित कार्रवाई माननीय स्पीकर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 41 प्रदीप कुमार पनिगिरी, मेरी रूलिंग सुनो, एक सुनो मेरी रूलिंग, अब रूलिंग दे रहा हूं मैं, बैठो, क्वेश्चन नंबर 41 बैठिए बैठिए बैठिए, पहले इनको तो बिठाओ, प्लीज बैठिए, प्लीज 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 बैठिए बैठिए बैठिए। 41 माननीय सदस्यगण, इस सदन की बहुत मर्यादा है, उच्च परंपरा रही है, परपाटी रही है, हम सबका सौभाग्य है कि मैं 18वीं लोकसभा के अंदर जनता ने चुनकर भेजा है। मेरा सभी लोगों से आग्रह है, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे प्रतिपक्ष हो, या बीच के सदस्य हो, सभी माननीय सदस्य सदन के अंदर अपनी बात को कहें, चर्चा में भाग लें, मर्यादा रखें, कोई ऐसी टिप्पणी न करें जो सदन की मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है और संसदीय परंपराओं के अनुकूल भी हैं। हम और कोशिश करें इस सदन में उच्च कोटि की परंपरा बने, प्रपाट बने, लोग चर्चा करें कि 18वीं लोकसभा के अंदर चुनने वाले माननीय सदस्यों ने इस सदन की गरिमा को बढ़ाया, मर्यादा को बढ़ाया, इसकी मर्यादा प्रतिष्ठा को बढ़ाया और दुनिया के अंदर भारत की संसद की जो लोकतंत्र में जिस तरीके की प्रतिष्ठा है वैसी परंपरा बनी। मैं सभी माननीय सदस्यों आग्रह करूंगा, ऐसे शब्द स्पंज तो हम कर ही देते हैं लेकिन उसके साथ साथ आगे भविष्य में ऐसा कोई भी शब्द, ऐसा कोई भी बात न तो बैठे बैठे टिप्पणी करें न अपने भाषण के अंदर टिप्पणी करें।
एक और आग्रह करूँगा कि मैं फिर आपसे आग्रह करूँगा, कभी आसन से बहस और चुनौती देने का काम भी नहीं करें। मैं आपको पुनः आग्रह कहता हूँ, और हम जितना आसन का सदन की गरिमा रखेंगे उतनी प्रतिष्ठा आप लोगों की भी अपने अपने क्षेत्र में बढ़ेगी कि संसद के अंदर बोलने वाले अनय मैंने कह दिया है और चेतावनी दे दी है भविष्य के लिए। नौ मैंने मैंने जब सदन से कह दिया फिर ऐसा नहीं है, मैंने नहीं मैंने आपको बता दिया, अब मैंने कह दिया ठीक है। ओके ओके ठीक ओके। क्वेश्चन नंबर 41 श्री प्रदीप कुमार पनिग्रही 41 क्वेश्चन 41 माननीय मंत्री जी। स्पीकर सर अ स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल। माननीय सदस्य सप्लीमेंटरी क्वेश्चन सर, द ऑनरेबल स्पीकर सर, विल द मिनिस्टर इल्स्ट्रेट द हाउस regarding what measure will the government implement to ensure the transparency, accountability and equity in the carbon trading schemes, particularly in the verification process of carbon credit, while preventing abuses like under-reporting emissions and greenwashing, and how can blockchain technology will be leveraged to enhance tracking and verification all while fostering participation across all sectors in aligning with India's broader environmental goal. இது போன்று முக்கிய நிகழ்வுகள் அரசியல் தகவல்களை ஆழமாகவும் மாறுபட்ட கோணத்திலும் அறிந்து கொள்ள மறக்காமல் உங்கள் IND தமிழ் 24/7 பக்கத்தை பின்பற்றிக் கொள்ளவும். உங்கள் ஒவ்வொரு ஆதரவும் இது போன்று பல நிகழ்வுகளின் பின்னணியை அறிய உதவும்.